ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य चंद्र राहु छठे भाव में बैठे हैं तो आदमी मानसिक तौर पर कमजोर होता है, मेंटल वीक, फ्रस्ट्रेशंस, टेंशंस, कंफ्यूजन्स और पेट की प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है और बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर ब्लड प्रेशर आ जाता है ऐसे व्यक्ति को। ये ग्रह तीनों अगर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, चंद्रमा अपने घर को देखता है, वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश करेगा, सूर्य द्वितीय होकर के यहां पर परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि के घर में सूर्य और राहु की युति डिवोर्स कारक को होती है। सप्तम में ये किसी भी लग्न के अंदर अगर बैठ रहे हैं तो कुछ जगह पर तो कंफर्मेशन ऑफ द डिवोर्स होता है, कुछ जगह पर ये अपना थोड़ी राहत बरतते हैं। यहां पर सूर्य को जल चढ़ाते रहें, राहु के मंत्रों का जाप करते रहें, मोती नग पहन के रखें तो यहां आप बचाव कर सकते हैं डिवोर्स का, अन्यथा डिवोर्स हो जाएगा। ये ग्रह तीनों के तीनों इधर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, लग्नेश अष्टम में चला जाए तो कोल्ड कप की शिकायत होती है आदमी को, पायल्स बवासीर की बीमारी हो जाती है आदमी को, टांगों में दर्द बना रहता है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ना धन ना स्वास्थ्य। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जिनको ना तो स्वास्थ्य होता है ना उनके पास पैसा होता है और उनकी जिंदगी बड़ी बदतर हो जाती है। इस जिंदगी को ठीक करने के लिए अगर आप भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु आपने मेरी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह क्यों दिए हैं, आप प्लीज इसको ठीक करिए, तो भगवान दयालु है, वो सबको ठीक कर देता है, वो आपके पापों का जो फल होता है उसको ठीक कर देता है। सजा है, जज कभी भी सजा को माफ कर सकता है, उसके हाथ में होता है। अगर आप जज को बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अपना आचरण सही रखते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं तो आपकी सजा माफ हो जाती है। जब आपकी सजा माफ हो सकती है अच्छे व्यवहार के कारण, तो ग्रह भी अच्छे व्यवहार के कारण पूजा पाठ से अपनी दुख भरी दास्तान को छोड़ देते हैं। जो लोग बोलते हैं पूजा से कुछ नहीं होता, पूजा छोड़ दो, वो संत नहीं ढोंगी व्यक्ति हैं, वो हिंदू धर्म के घातक लोग हैं, वो हिंदू धर्म में वायरस हैं ऐसे लोग, कि जो पब्लिक को भोली भाली पब्लिक को जो चीट करते हैं, ठगते हैं, नरक में वास होगा उन लोगों का। इसलिए दर्शकों आप भोले हैं, आपको जो टीवी पे जो चीज दिखाई देती है आप उसको सत्य समझ के बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट, उसको ध्यान से पढ़िए कि कितने लोग आपको बेवकूफ बना जाते हैं। अगर ये ग्रह भाग्यस्थान पर बैठे हैं तो आपका पिछला भाग्य तो अच्छा रहा, लेकिन इस जन्म में आपको पिता के साथ तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, पिता पुत्र का तालमेल नहीं बैठेगा। आप ज्ञानी और समझदार तो रहेंगे, आप धार्मिक तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी धर्म से विश्वास उठ जाएगा आपका। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए मोती पहनिए और साथ में एक पुखराज पहनिएगा तो आपका विश्वास भगवान में बना रहेगा। भगवान है ये सत्य है, ये बहुत बड़ा डिजाइनर है भगवान, क्योंकि उसने इस प्रकृति को इतने ढंग से बनाया है कि कोई इस दुनिया में बना ही नहीं सकता। इस दुनिया में इंसान एक चीज नहीं बना सकता, रोबोट बनाने में हालत खराब हो रही है, लेकिन एक इंसान ऑटोमेटिक बना दिया उसने। इसलिए है लेकिन देख कोई नहीं पाता, और जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पितर हाजिरी भरते हैं, मेरे पास देवता हाजिरी भरते हैं, उससे बड़ा कोई ढोंगी आदमी हो ही नहीं सकता जो इस दुनिया को बेवकूफ बनाता है। पितर भगवान के रूप है वो, यानी वो देवी देवता एक इंसान के पास हाजिरी भरे, ये तो संभव ही कहीं नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर की कहानी होती है। ऐसे फ्रॉड आदमियों से आपको बचने की जरूरत है। यहां सूर्य उच्च का होकर के बैठा है, धन का स्वामी, पैसा रहेगा, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन राहु ग्रहण के तौर पर आपको नुकसान कर रहा है। मोती पहन के रखें, माणिक पहन के रखें, अगर जॉब की चारों तरफ आपको एक घेरा बन चुका है दुश्मनों का, तो उससे निकलने के लिए, चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करते रहेंगे, इसकी पूजा कराते रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब जब राहु आपके ऊपर लगेगा तब तब आपको ये जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। विजय प्राप्त आपकी होगी, अंत में जीतेंगे आप ही, लेकिन आपके कैरियर में तो नुकसान ही आ जाएगा। तीनों ग्रह लाभ स्थान पर बैठे हैं, सूर्य चंद्र और राहु,
चंद्रमा उच्च होकर के बैठा है लाभ के घर में, तो पैसा काफी आएगा आपके पास, तो आप इसका नग धारण कर सकते हैं, यानी मोती पहन सकते हैं, मोतियों की माला पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, दूध दही का सेवन कर सकते हैं, और आप सफेद कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र और राहु अगर बारहवें भाव में बैठे हुए हैं, यहां पर लगन का यानी शरीर का नुकसान और धन का भी नुकसान और पुलिस केस मुकदमे फंस जाना। कितने लोग इस दुनिया के अंदर जिंदगी भर फंसे रहते हैं, उनके मुकदमे कभी छूटते नहीं है, जिसके कारण मानसिक तनाव में फंसे रहते हैं, जिंदगी भर उसको टेंशन बनी रहती है, आंखों की कमजोरी होती है, आईसाइट वीक हो जाती है, सोच सोच के हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके मन के ऊपर और आपकी आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। आपको गले छाती की तकलीफ रहेगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम परिवार के अंदर बन जाएगी, जिसके कारण आपकी जो शॉर्ट आयु का योग बनता है उसको हम ठीक कर सकते हैं राहु केतु और शनि की पूजा करा करके। जब जब राहु हमारे ऊपर लगेगा इस योग के अंदर, जब जब भी चंद्रमा की महादशा में राहु लगेगा या सूर्य की महादशा में राहु लगेगा या सूर्य के प्रत्यंतर दशा में राहु लगेगा, तो सूर्य को डर लगता है राहु से, यह ग्रहण योग बन जाता है। जब सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी तो बहुत सारे एलिमेंट यहां पर खराब हो जाते हैं, बहुत सारे तत्व खराब हो जाते हैं, और जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी तो उस समय भी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट यहां पर खराब हो जाते हैं। ऐसी कुंडलियों के अंदर आपको अपने को मजबूत करना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको माणिक और मूंगा नग धारण करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर लगातार बना रहता है तो आपको मोती और एक मूंगा पहनना चाहिए। पूजा करने से जबरदस्त लाभ मिलता है। जिस प्रकार आपका अच्छा आचरण होता है, अच्छे आचरण में जब हम दान धर्म किसी ग्रह का करते हैं तो वो दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं के माध्यम से हमारी जो गति है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कर्क लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी ये भावों के अंदर सूर्य चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम बनी रहती है, ब्लड प्रेशर आपको लगा रहता है, या आप मन साइकिक रहता है, कंफ्यूजन या वेवरिंग माइंड रहते हैं, बहम की शिकायत है, तो आप अपनी कुंडली लेकर के हमें मिल सकते हैं। बहुत अच्छी पूजाओं के लिए आप हमारे विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा लिखित 10 किताबें ये आप मंगा सकते हैं, घर बैठे ज्योतिषी बन सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे विद्यालय में चालू रहते हैं, आप घर बैठे विदेश के किसी कोने में आप ज्योतिषी बन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के नग आप लेना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठित, जो मैं स्वयं पूजा करके देता हूं, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212960900, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212960900। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114249।